सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौर मिल सके इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें खैरुद्दीन बारबरूसा के चेहरे पर हल्का सा तबसम नमदार हुआ आगे बढ़कर उसने हसन क्रोसो की पीठ थपथपाई फिर कहने लगा अब ये बताओ तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का कोई सुराग मिला और तुम्हारे दादा का क्या हाल है इन दो सवालों पर हसन क्रोसो उदास हो गया था लम्हा भर के लिए उसकी गर्दन झुक गई थी उसकी यह हालत देखते हुए खैरुद्दीन बाल भरोसा ही नहीं सनान और सालिया भी परेशान और फिक्रमंद हो गए थे फिर भारी और दुखती हुई आवाज़ में हसन क्रोसो कह रहा था अमीर कुछ लोगों ने मुझे इस गलत फहमी में मुबला कर दिया था कि मेरी माँ चूँकि एसपेनी थी हो सकता है वो ईसाइत कबूल करके किसी कलीसा या किसी मबद में ज़िंदगी के दिन गुजार रही हो मैं अपनी माँ और बहन दोनों को जानता हूँ वो किसी भी सूरत ऐसा करने पर तैयार ना होंगी मैंने वहाँ उन्हें बहुत से कलीसाओं में तलाश किया जहाँ जहाँ जिस जगह ज़बरदस्ती मुसलमानों को नसरानी बनाकर रखा गया था वहाँ भी गया था लेकिन वहाँ मुझे अपनी माँ बहन दोनों नहीं मिली अमीर कुछ लोगों ने यह भी शुबा जाहिर किया है कि गुज्तर कई सालों में बल्कि आपके भाई अरूज के दौर में भी कुछ तुर्कों के साथ मिलकर वहाँ से मुसलमानों को निकाला गया था लोगों ने यह शुबा जाहिर किया है इस दौर में जो लोग वहाँ से निकाले गए थे वो बल्गारिया और बोसनिया के कुछ इलाकों में आबाद हो गए थे मुझे शक है कि मेरी माँ और बहन कहीं इन लोगों में इन इलाकों में ना जा बसी हों खैरुद्दीन के चेहरे पर तलख सी मुस्कुराहट नमदार हुई कहने लगा अगर ऐसा है तो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कुछ आदमी अनकरीब मुकर्र करूंगा जो इन इलाकों में तुम्हारी माँ और बहन को तलाश करेंगे अब अपने दादा से मुतक कुछ कहो हसन फिर उदास हो गया कहने लगा दादा बड़ी सख्ती से मेरे साथ पेश आए और उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि जब तक मैं अपनी माँ और बहन को तलाश न करूँ इस रा... माजर छीन सकते हैं रूह में इसतराब दिलों में सूखता वहशत बढ़ सकते हैं पर इंसान से उसके रिश्तों की फितरी उन सत्यत नहीं छीन सकते अब तो अहद तफली की बसात लपेट चुका है कुएं नगारा में रंगों के शबाब कूचा जाना में फूलों की जवानी बनकर दाखिल हो चुका है हालात अब पलटा खाएंगे यह भी अपने दिल पर लिख रख के सोग शमशान जबरे तहवीलियां जलती धूप के बबर सदा नहीं रहते अंकरीब हमारे इर्द गिर्द मंडलाते बदवकती के हिजान तितलियों के रंगों में जुगनुओं के झिलमिल और लुफ्फ की नाजक कबा में शबनम की खुनक फवार जैसे होंगे उस रोज़ हम लोग वक्त ज़माने और अपने दुश्मनों की आँखों में आँखें डालते हुए उनसे न सिर्फ ये अपनी धरती वापस लेंगे बल्कि उनके माजी को जबर को सामने रखते हुए उनसे अपना हिसाब भी चुकाएंगे यहाँ तक कहने के बाद खैरुद्दीन बार भरोसा रोका था फिर हसन क्रोसो को उसने अलहदा किया एक बार उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा अब तुम जाओ जाकर आराम करो साथ ही उसने अपने क़रीब खड़े दो साथियों से सनान को मुखातिब करते हुए कहा सनान हसन को साथ ले जाओ और उसके क्याम का अहतमाम करो इसके साथ सनान आगे बढ़ा और हसन क्रोसो का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया था एक रोज़ गहतानी कबीले का सरदार काब बिन आमर अपनी किलानुमा हवेली के कमरे में बैठा हुआ था कि उसका बेटा मग़ी बिन काब बीवी मैसूना दोनों बेटियां मुआज और नाबील उसके कमरे के दरवाजे पर नमदार हुए फिर माज जो अपने घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और चाही जाने वाली थी उसने बड़े बेतकल्लफ से अंदाज में अपने बाप का बिन आमर को मुखातिब किया बाबा आपने हम सब को बुलाया था जवाब में का बिन आमर ने अपनी जगह से उठकर अपनी बेटी का इस्तबाल किया फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या ऐसा करके मैंने गलती की है हसीन मुआज मुस्करा कर कहने लगी नहीं बाबा मैंने तो वैसे ही प्यार में पूछा है का बिन आमर ने नशितों की तरफ इशारा करते हुए कहा अच्छा बैठो मैंने ही तुम लोगों को बुलाया है इस पर सब आगे बढ़कर नश्तों पर बैठ गए उनके बैठ जाने के बाद काब बिन आमर भी अपनी निशस्त पर बैठ गया कुछ देर खामोशी रही इसके बाद उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी थी जो कुछ मैं कहने लगा हूँ वो तुम तीनों के लिए है तुम्हारी माँ मैसूमा के लिए नहीं है कुछ कहने लगा हूँ तुम तीनों ज़रा गौर से सुनना देखो हमारा एक मौसम है यूँ जानो वो सिर्फ हमारा ही नहीं वो आलमी इस्लाम का भी मौसम है वो यहाँ से बहुत दूर है उसका दादा माही की एक बस्ती में एक झोंपड़ी के अंदर रहता है नाम उसका जाबर बिन मुगीस है मेरे बच्चों तुम रोज़ घुड़ दौड़ के लिए निकलते हो मैं चाहूँगा तुम लोग समंदर की तरफ घुड़ दौड़ के लिए जाया करो माही गरों की बस्ती में जाकर जाबर बिन मग़ैस का रोजाना पता किया करो उसकी सेहत का ख्याल रखो और उसके लिए यहाँ से खाना पका कर ले जाया करो बेटे मिलत के जिस महसुन का वो दादा है वो अपने दादा से बहुत दूर एक नेक काम में फंसा हुआ है लिहाजा उसकी गैर मौजूदगी में उसके मम्मर दादा का ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज है का बिन आमर जब खामोश हुआ तब सबसे पहले माज़ बोल उठी और बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से का इजहार करते हुए कहने लगी बाबा आपने जो गुफ्तू की है इससे मेरा दिल खुश हो गया है इस बूढ़े का आज आपने ज़िक्र किया है जिसका नाम आपने जाबर बिन मुगीस बताया है अगर वह मेरी कौम के किसी मोहसिन का दादा है तो वह हम सब का आज से दादा है कोई और जाए या ना जाए मैं हर रोज़ तो घोड़े को साहल की तरफ दौड़ाया करूँगी और बुज़ुर्ग जाबर बिन मुगीस से रोज़ मिलकर आया करूँगी सुबह का खाना भी उसके लिए ले जाया करूँगी मैं ये भी कोशिश करूँगी कि रात का खाना भी ख़ुद उसके लिए पहुँचा दिया करूँगी अब बोलें आप मजीद क्या कहते हैं का बिन आमर अपनी बेटी माज के नल्फा से खुश हो गया था कहने लगा बेटी फ़िलहाल तो मुझे इसी कदर कहना था लेकिन तुमने जो जवाब दिया है उससे मुझे जहनी औरकली सुकून मिला है मेरे ख्याल में तुम लोग अब उठ कर जाओ इस पर महसूना मगूरा बिन मुकाब और नाबील तो कमरे से निकल गए लेकिन माज अपनी जगह पर बैठी रही का बिन अमर थोड़ी देर तक गौर से माज़ की तरफ देखता रहा फिर उसे मुखातिब किया बैठे तुम भी जाकर आराम करो जवाब में माज़ अपने बाप का बिन आमर को बड़े गौर से देखती रही फिर धीमे से लहजे में कहने लगी बाबा मैं इससे पहले भी आपसे दो बार पूछ चुकी हूँ लेकिन आप मुझे टाल जाते हैं बाबा वो जो एक बार दो राहब हमारे पास आए थे उनमें से एक का नाम बतरूश और दूसरे का नाम लिसानकू है वो आपसे किस मौजू पर गुफ्तगू करने आए थे और फिर मैंने ये भी देखा कि दूसरी बार बड़ा राहब बतरोज फिर आपके पास आया था लेकिन उसके साथ छोटा राहब लिसान को नहीं था मैं पहले भी दो बार आपसे पूछ चुकी हूँ कि ये क्यों आपके पास आ रहे हैं लेकिन आप टाल जाते हैं कोई मकूल जवाब ही नहीं देते का बिन आमर ने कुछ सोचा फिर कहने लगा बेटी ये राहब हमारे दुश्मन नहीं है यूं जानो यह नसरानी होने के बावजूद हमारी तरफ़दारी कर रहे हैं हमारी बेहतरी के मुतलक सोचते हैं चंद दिन पहले बतरूष नाम का राहब आया था उसने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था मज़ ने तनजन कहना शुरू किया एक राहब और अच्छा मशवरा यकीन ये मतदाद चीज़ें हैं का बिनिन अमर मुस्करा दिया बेटी दरअसल ये जो द्राए प्रवेश के किनारे राहबों की खानकाहें बनी हुई हैं इनके अंदर जितने भी राहब रहते हैं वो अलबशारत के हमनवा हामी और हमारे लिए मेहरबान हैं हमारे खिलाफ़ काम करने वाले नहीं हैं पहली बार जो दो राहब आए थे वो तो आम से मौजू पर गुफ्तगु करते रहे हैं सिर्फ मुझसे और साबिन सलामा से मिलने आए थे बाद में जो बतरूश नाम का राहब अकेला आया था उसने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप अल बशारात में अपने और सात बिन सलामा के कबीले में कुछ सलीबें बांट दें और वह सलीबें अपने गले में लटका कर रखा करें वो मुझे सलीबें भी देकर गया था दरअसल इन खानकाहों के ज़िम्मे कली सवालों ने यह काम लगा रखा है कि वह अलबशारत के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को नसरानी बनाने का काम सर अंजाम दें का कहना था कि कुछ मुसलमान ज़ाहरी भरम रखने के लिए सलीबें पहन लिया करें तो इस तरह कलीसा और राहबों की एहतस अदालतें मुतमिन हो जाएंगी और वो ये समझने लगेंगे कि अलबशारत में हम तबलीग करके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को नसरानी बनाने में कामयाब हो गए हैं यह जहरी तौर पर है उनका कहना था कि बातनी तौर पर मुसलमान अपनी इबादत जिस तरह करते हैं उसी तरह करें कोई पाबंदी नहीं होगी माज़ ने बेपना गुस्से का इजहार किया और कहने लगी पर मुसलमान क्यों अपने आप को नसरानी जाहिर करें और गले में सलीबें लटकाएं का बिन आमर मुस्करा दिया बेटी वक़्त और हालात का तकाजा है कि हम इस तरह करें जिस तरह बतरूच कहता है का बिन आमर रुका फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था बेटी सारे मामले हटदर्मी से अपने असल अंजाम तक नहीं पहुँचते कभी कभी मेरी बेटी मंजिल तक जाने के लिए सीधे रास्ते के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार करके और काबा काटते हुए भी जाना पड़ता है इसमें बेहतरी और भलाई है और बतरूश भी हमारे लिए यही रास्ता इख्तियार कर रहा है बेटी इस मौजू पर मजीद कुछ मत कहना जो कुछ मैं कर रहा हूँ याद रखना अलबशारात के सारे मुसलमानों की बेहतरी और भलाई के लिए है माज कुछ देर खामोश रही फिर उसने अपने बाप का बिन आमर को मुखातिब किया अच्छा बाबा मैं इस मौजू पर मजीद गुफ्तु नहीं करूँगी हो सकता है आप जो कुछ कर रहे हों अलबशारात के मुसलमानों की बेहतरी के लिए हो लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन राहबों से किसी बेहतरी की उम्मीद रखना बिल्कुल अबस और एक बचगानों उम्मीद से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता बहरहाल मैं एक और मौजू पर भी आपसे गुफ्तगु करना चाहती हूँ बाबा मैं देख रही हूँ कि चंद दिन से गर्नाता की सीमत से लुटे पुटे मुसलमान आते हैं जबकि हमारे और अद्नानी कबीले के लोग उन्हें साहिल की तरफ ले जाते हैं बाबा वो लोग कहाँ जाते हैं साहिल की तरफ क्या करने जाते हैं वहाँ उनके लिए दिलचस्पी का क्या सामान है माज के इस सवाल पर का बिन अमर संजीदा हो गया था कहने लगा बेटी ये वो लोग आ रहे हैं जो लुटे पुटे हैं जिन्हें उनकी ईसाई गाइतों ने लूट लिया है या उन्हें ज़बरदस्ती नसरानी बनाने की कोशिश करते हैं ये लोगा आहिस्त जोक दर जोक अलबशारात की तरफ आना शुरू हो गए हैं और हम उन्हें साहिल की तरफ रवाना कर देते हैं ये लोग मच्छरों की बस्ती में जमा हुआ करेंगे वहाँ मुस्लिम कौम के कुछ फर्जंदान अजीम जहाज़ लेकर आएंगे और इन बेघर लोगों को इन जहाज़ों में बिठाकर अफ्रीका ले जाकर आबाद करते रहेंगे इस तरह यहाँ से बेघर होने वाले लोग वहाँ पर पुरसकून जिंदगी की इब्तदा कर सकेंगे अपने बाप की इस गुफ्तु से माज मुतासर दिखाई दे रही थी कुछ सोचा फिर उसने दोबारा पूछा बाबा इन लोगों को कौन लोग लेने आएंगे और वो कहाँ से उनलस के साहिल का रुख करेंगे काबिन आमर के लबों पर हल्का सा तबसम नमदार हुआ कहने लगा बेटे इन लोगों को कौन लेने आएगा जल्द पता चल जाएगा फ़िलहाल तफसील बताना किसी के लिए सूदमंद नहीं तुम सब्र करो अभी तक तो गिनती के मुसलमान ही इधर आए हैं जब ये काफ़ी सारे जमा हो जाएंगे तो उन्हें अफ्रीका के साहिल की तरफ ले जाने वाले आएंगे वो आएंगे तो मेरी बच्ची मैं उन तोारफ तुम से ज़रूर कराऊंगा अब तुम जाके आराम करो मुआज़ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एक सवालिया सी निगाह उसने अपने बाप पर इस अंदाज में दी जैसे वो अपनी आँखों की ज़ुबान से कह रही हो बाबा जो कुछ आपने कहा है इससे मुझे कल भी रूहानी इतमान नहीं हुआ तहम वह मुड़ी और कमरे से निकल गई थी एक रोज़ माज और उसकी बड़ी बहन नावी भाई मुगरा बिन काब उनका गुलाम अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की बेटी नबीरा जब अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए साहिल समंदर पर माही और मल्लाहों की झोंपड़ियों पर मुश्तम बस्तियों में दाखिल हुए एक जगह वो रुके फिर एक बूढ़े के करीब माज़ अपने घोड़े से उतरी और उसे मुखातब करके कहने लगी क्या आप बता सकेंगे कि आपकी इस बस्ती में कोई ऐसा शख्स भी रहता है जिसका नाम जाबर बिन मुगीस हो इस बूढ़े ने बड़ी खुशतबी से माज़ को मुखातब किया बेटी अगर तुम जाबर बिन मुगीस से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ बूढ़ा एक तरफ चल दिया सब उसके पीछे पीछे हो लिए थे थोड़ी देर बाद वो एक खासे बड़े झोंपड़े के सामने रुका और माज की तरफ देखते हुए कहने लगा ये जो सामने झोंपड़ा दिखाई दे रहा है इसमें बिन मुगीस रहता है माज ने उसका शुक्रिया अदा किया वो बूढ़ा वहाँ से हट गया फिर हिचकिचाते हुए माज नाबील नबीरा मुगीरा काब और बसीत पाँचों झोंपड़े में दाखिल हुए उन्होंने देखा झोंपड़े के सारे फर्श पर खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई थी एक तरफ एक बसीदा से बिस्तर पर एक बूढ़ा गुमसुम लेटा झोंपड़े की छत की तरफ देख रहा था वो जाग रहा था माज और उसके साथी जब झोंपड़े में दाखिल हुए तो उनकी तरफ देखे बगैर बूढ़े ने इंतहाई मधम सी आवाज़ में पूछा कौन है इसकी आवाज़ के दुख उसके बोलने के कर्ब खेज अंदाज को सबने महसूस कर लिया था माज आगे बढ़ी और कहने लगी बाबा हम आपके लिए अजनबी हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके करीब चटाई पर बैठ जाएं। हसन क्रोसो के दादा जबर इन मुगीस ने एक निगाह उन पर डाली फिर उठकर बैठ गया हाथ से चटाई की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा बैठो मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो बहरहाल मैं तुम्हें अपने झोंपड़े में खुश आमदीद कहता हूँ इन अल्फाज से सब खुश हो गए थे फिर सब जाबर बिन मुग के सामने बैठ गए गुफ्तगू का आगाज़ फिर मुआज ने किया बाबा आपका नाम तो हमें पता है आपका नाम जाबर बिन मुस है आप अलबचारात के दो सरदारों को जानते होंगे एक का नाम काब बिन आमर और दूसरे का नाम साद बिन सलामा है मैं काब बिन आमर की बेटी मुआज हूँ मेरे साथ जो करीब बैठी हुई है इसका नाम नाबील और उसके साथ बैठा हुआ है उसका नाम मुग़रा बिन काब है हम तीनों बहन भाई हैं मेरी बहन के साथ जो बैठी हुई है ये अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की बेटी नबीरा है और उनके पीछे बसीत है गोजे अपने आप को ग़ुलाम कहता है लेकिन हमारे लिए यह हमारा अम है इस तारफ़ पर जावर बिन मुगीस के चेहरे पर हल्का सा तबसम नमदार हुआ था कुछ कहना चाहता था कि माज़ फिर बोल पड़ी हमारे बाप काव बिन आमर ने ताकीद की थी कि हम आपके पास आ जाया करें और आपकी खिदमत करें इसके साथ ही माज को कुछ याद आ गया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई भागती हुई बाहर निकली फिर वह मुड़ी उसके एक हाथ में गठड़ी और दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा था वह दोनों चीज़ें लाकर उसने जाबर बिन मयूस के सामने रख दी फिर कहने लगी हमारे बाप ने ताकीद की थी कि हम आपके पास आया जाया करें इसलिए कि उनका कहना है कि आप मुस्लिम कौम और मिलत के मोहसिन के दादा हैं हम आपके लिए खाना भी लाए हैं और यह पानी का मशकीज़ा भी है यहाँ तक कहने के बाद माज रुकी फिर सिलसिला कलाम आगे बढ़ा रही थी जैसा कि मेरे बाप ने बताया था कि आपका पोता मिलत के अज़ीम फ़रजंदों में से है और मैंने अपने एक अमन जिसका नाम जिस मंजर बिन जुबैर है और वह चरवाहा है उससे तफसील जानी तो पता चला कि आप खैरुद्दीन बार बरूसा के साथी हसन क्रोसो के दादा हैं बाबा खैरुद्दीन बार बरसा और उसके साथी मिलत इस्लामिया के लिए महसन और मुरबी हैं उनकी खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता अगर आपका पोता हसन क्रोसो खैरुद्दीन बार भरोसा के साथियों में से एक है बल्कि मंजर बिन जुबैर ने हमें बताया था कि वह खैरुद्दीन के इंतहाई करीबी और अहम साथियों में से है तो फिर हम सिर्फ उस ही की नहीं आपकी अजमत को भी सलाम करते हैं पर बाबा मैं ये बात कहूँ कि आप अपने पोते हसन क्रोसो के साथ क्यों नहीं रहते चरवाहे इब्न जुबैर ने मुझे यह भी बताया था कि जब गगरनाता का सकूत हुआ तो आपका बेटा और हसन क्रोसो का बाप मारा गया और हसन क्रोसो की माँ और बहन खो गई जो अब तक नहीं मिली आपने अपने पोते हसन क्रोसो पर यह शर्त क्यों आयद कर रखी है कि जब तक वो अपनी माँ और बहन को तलाश नहीं करता आप उससे नहीं मिलेंगे उसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे और ये कि अगर वो आपके पास आया है तो आप लोहा गर्म करके उसके जिसम को दाग देंगे ये सारी बातें हमें हमारे चरवाही मंजर बिन जुबैर ने बताई थी मुआज जब खामोश हुई तब आह भरने के अंदाज़ में बूढ़े जाबर बिन मुगीस ने एक लंबा सांस लिया फिर कहने लगा बेटी मैं तुम्हारे बाप का बिन आमर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम लोगों को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा मेरे बच्चों ये दुनिया भी अजीब है यहाँ कोई दजदीदा नजरों से किसी वक़ार को तलाश करता है कोई दर्द के अंधेरों में मरिय रोशनी को तरसता है कोई मंजिल बेनिशां की कश्क लिए बेहिसी की चटानों से सर टकरा टकरा कर माहोसाल गुजार देता है कोई अमले तख्लीक के क्रब में रूह के ज़ख्म लिए फिरता है और कोई धुंधलकों की उदासी में अजनबी राह गुजर के उस मुसाफिर की तरह अपनी मंजिल की तलाश में भटकता रहता है शायद खुदा कुदस ने मेरी आँखों में जागने के असार और नाले शबगीर भर दिए हैं मेरे दिल में जज्बात की हिद्दत और किसी से मिलने की बेकली डाल कर रख दी है और मुझे अपनी बहू अपनी पोती की तलाश है जिनके बगैर मैं आग और तजाब की बारिश में अपने दिन रात गुजार रहा हूँ सरगर्दाओं बेकर अंधेरों में पानी की एक एक बूंद को तरसते लोह के जलसा देने वाले थपेड़ों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ न जाने कब सूखे एहसास पर मिलन घटाओं की बारिश होगी कब दशत सफ़र की गर्द में मेरा बंजर दिल शराब होगा यहाँ तक कहते कहते बिन मुगीस की हालत अजीब सी होकर रह गई थी लगता था वो रो देने वाला हो गया था आंखों में नमी उतर आई थी होंठ काटने लगा था हलक के अंदर उठने वाली हिचकियों को अपनी गिरफ्त में करने की नाकाम कोशिश कर रहा था फिर समला और दोबारा माज की तरफ देखते हुए कह रहा था लोग कहते हैं मैं अपने पोते हसन क्रोसों से मोहब्बत नहीं करता इसी बिना पर मैं उसे अपने पास नहीं आने देता इसी बिना पर उसे लोहे से दागने की धमकी देता हूँ पर हाय है कोई मेरे दिल के औरक पलट कर देखे उसके हर वर्क पर उसकी हर सतर पर सिर्फ हसन क्रोसो का नाम है यहाँ तक कहने के बाद बिन मुगीस खामोश हो गया चंद आंसू डलक कर उसके दामन पर गिर गए जल्द ही उसने सर पर बंधे हुए रुमाल से अपनी आंखें खुश कर लीं फिर गमजदा सी आवाज़ में वो कह रहा था कोई नहीं जानता कि मैं अपने पोते हसन क्रोसो को अपनी जान अपने दिल अपनी रूह से भी ज्यादा चाहता हूँ मोहब्बत करता हूँ काश कुछारागर उसे बता दे कि उसका दादा उसे हिजर लम्हों के आज़ाद में ताज़ा खुशियों के ख्वाब औरज्म खैर शर्म में जीस्त की कशिश का नगमा समझता है काश को कीमिया अगर मेरे पोते हसन क्रोसो को यह बता दे कि वो अपने दादा जाबर बिन मुगैस के लिए वक़्त के धुंधल के लम्हों में तखयल की नगीनाकारी और मर्गो हयात के करबे मुसलसल में आबाद की रवायात का वकार है